Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और दोस्तों वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, मुझको पता है, क्योंकि थोड़ा अभी एग्जाम चल रहे थे और उसकी मैं तैयारी कर रहा था, इसलिए मैं वीडियो आज 4 महीने बाद बुलेट फिर से निकाला हूँ। और 4 महीने बाद शायद वीडियो भी आ रही है, तो यार आप सब बुलेट पहली बार अच्छे से देख लो, क्योंकि यार देखो मेरे घर में मेरे अलावा तो कोई बुलेट चलाता है नहीं, उसको ही करना पड़ता है कुछ, तो आज देख लो। और इसको मैं साफ करूँगा, फिर इसको स्टार्ट भी करूँगा। और दोस्तों इसका किक सिस्टम भी थोड़ा डाउन हो गया है, ख़राब हो गया, इसमें किक स्प्रिंग इसी टूट गई है, जिसको उसको भी लगवाएंगे। और आप सब देख सकते हो जाला कितना ज़्यादा लगा है। तो सो गाइस पहले इसको साफ करें कि पहले इसको स्टार्ट करें? नमन क्या क्या बोलोगे तुम? सबसे पहले हम लोग आगे इसका गंदगी दिखाते हैं, फिर इसको साफ करके दिखाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके चेक करते हैं होती भी है या नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले आगे इसका डीजल चेक करेंगे। डीजल है, हाँ यार, अरे कच्चा डीजल थोड़े तो फिल रहते हैं। डीजल दोस्तों है, इनफ है, डीजल है। आफ्टर 4 मंथ गाइस, जब भी चलते हैं मार्केट और इसका ये किक स्प्रिंग ठीक कराते हैं, तो चलिए आप सब साथ में हमारे। और भाई जब मैं 4 महीने बाद ड्राइव करने जा रहा हूँ, तो चलिए आप चलते हैं आपको साथ में लेकर। चलो तो मना जाए का बहुत ज़्यादा यार मज़ा आ रहा है आज चला करके बुलेट। अभी आज तक बाइक चला रहे थे और आज जब इसको चलाए तो यार मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है चलाने में। और दोस्तों जिसका थंब है और फील है ना, पूरा ओल्ड मॉडल पेट्रोल वोट जैसा ही है, ऐसा लगता ही नहीं कि डीजल इंजन है ये। गाड़ी
गाइस मेरी बुलेट पूरी तरह से ओके हो चुकी है, पूरी तरह से तो नहीं मतलब जो काम करवा रहा था मैं करवा लिया हूँ। और अभी चलते हैं सीधे घर और घर में जाकर बात करते हैं। सो गाइस मैं भी घर आ चुका हूँ और बुलेट में जो जो काम करवाना था सब हो चुका है, मतलब स्प्रिंग इसकी ठीक नहीं तो स्प्रिंग इसकी ठीक करवा लिए हैं और आगे नया बल्ब भी डलवा दिए हैं यार, लाइट सही से नहीं जल रही थी तो लाइट एक नया बल्ब डलवा दिए हैं और क्या इसका चैन टाइट करवा दिया हूँ। चैन यार काफ़ी ज़्यादा ढीला था, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, यार चैन भी टाइट हो गया है और इसका मैं अब दूसरा पार्ट भी लेके आऊँगा, मतलब इसके गियर के बारे में बात करूँगा, गियर कैसे लगाना है। मैं दोस्तों एक पार्ट बना दिया था इसका गियर कैसे लगाते हैं पर उसमें थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन अब जो दूसरा वीडियो आएगा दोस्तों तो उसमें गियर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि गियर कैसे लगाना है। और दोस्तों यार आप सब यार कमेंट करो कि और किस प्रकार की वीडियो चाहिए तो मैं उस पर एक वीडियो सबको बना करके दूंगा। तो गाइस मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कर लो ये चैनल।